तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिस में खड़ा हूँ जो कि प्रयागराज में स्थित है। और आज जो है ऑफिस में जाकर मैं ये पता करने की कोशिश करूँगा कि किस रजिस्ट्रेशन नंबर तक जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो है किनका रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है और कार्ड है वो भेजा जा चुका है। तो ये सारी डिटेल जो है आज मैं ऑफिस जाकर पता करूँगा। तो शायद आपको इस बात से अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो पाया है कि नहीं हो पाया है। तो चलिए हम लोग ऑफिस चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के ऑफिस में मौजूद हूं और आज जो है मैं सारी डिटेल पता करने वाला हूं कि किस नंबर तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन की कौन सी सीरीज चल रही है और बाकी बचे लोगों का रजिस्ट्रेशन कब तक हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि जो AIB 16 का जो फॉर्म की डेट है वो 15 जुलाई तक है, तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला, आईडी कार्ड नहीं मिला, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। तो ये सारी बातें आज हम लोग पता कर लेंगे और मेनली इसमें जो है अगर हम पता कर लेते हैं कि किस सीरीज तक जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उस हिसाब से उस सीरीज़ को देख करके आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, एक कार्ड मिलता है एक महीने के बाद जब फॉर्म जमा करते हैं छोटा सा, तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया जाता है। तो सपोज़ करिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 5571 है, यानी 5571। तो हम ये पता करेंगे कि किस सीरीज़ तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर ऑफिस कहती है कि 4000 तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 4000 सीरीज तक, 5000 सीरीज तक या 6000 सीरीज तक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर 4000 सीरीज तक हुआ होगा तो आपका नहीं हुआ है, 5000 सीरीज तक हो चुका है रजिस्ट्रेशन तो आपका नहीं हुआ है, और अगर रजिस्ट्रेशन 6000 सीरीज तक हो चुका है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और ऐसा मानिए कि 8 से 10 दिन में जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड जो है आपके घर भेजा जाएगा। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइएगा और मैं मोटे तौर पर यह पता कर लूँगा कि किस सीरीज तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कौन सा रजिस्ट्रेशन सीरीज का अभी चल रहा है। तो ये इतना डिटेल पता कर लेने से शायद आपका जो है रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया मैं ऑफिस में गया था और ऑफिस में जाने के बाद मैंने वहाँ पर पूछा कि कौन सा सीरीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कौन सा चल रहा है। तो ऑफिस के द्वारा मुझे ये जानकारी दी गई कि अब तक जो है जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 4000 या उससे कम तक रहा है उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कार्ड जो है, यानी कि इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और कार्ड जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा जा रहा है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का भेजा जा चुका है। तो जिन आवेदकों का अभी तक नहीं पहुँचा है उनका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और आई कार्ड, तो परेशान ना हो, हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आई कार्ड जो है उनके बताए गए एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 4000 या उससे कम रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मेरे मित्र हैं, उनका ये कार्ड जो है उन्होंने इनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया था। तो देखिए इनका जो रजिस्ट्रेशन जब एक अधिवक्ता के रूप में किस डेट को हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 20/5/2021 को इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और इनका पंजीकरण नंबर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 5671, यानी 5671 इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो है 4000 तक का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इनका अभी 5671 है। तो इनके बारे में जब मैंने पूछा तो उनका कहना था साफ तौर पे कि अगस्त के पहले हफ्ते तक जो है इनका हो जाएगा। तो मान के चलिए कि अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जो है जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 6000 तक है उनका मिल जाएगा। तो अभी तक जो है सिर्फ 4000 जो नंबर है 4000 तक उनका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद जो है 6000 तक जो है वो अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जो है होने की उम्मीद है। और मैंने ये जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ये इनरोलमेंट जो कार्ड मिला है इंटीमेशन कार्ड,
इसके लिए ये इनरोलमेंट के लिए मैंने जो है 24 फरवरी 2021 को अप्लाई किया था। तो अब आप देख सकते हैं कितना लंबा ड्यूरेशन, कितना लंबा टाइम लगा है। 24 तारीख को मैंने दिया था फरवरी में, और 20/5/2021 को जो है एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, और इसका टाइम जो लग रहा है इसका मेन वजह और रीज़न आप जानते हैं, COVID-19 है। इसी की वजह से जो है पूरी तरीके से जो है ऑफिस जो है ओपन नहीं हो रही है, काम सही से नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना टाइम उसमें लग रहा है। तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, जिनका 4000 तक इनरोलमेंट नंबर रहा है उनका तो बन गया है, उनके बताए गए एड्रेस पे भेजा भी जा रहा है। उसके बाद वाले परेशान ना हो, अगस्त के प्रथम सप्ताह में जो है उनका भी जो है इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और जो है कार्ड उनके बताए गए एड्रेस पे भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल पे अधिक से अधिक कमेंट करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।